सभी की क्वेरी आ रही थी अबाउट वेकेंट सीट लिस्ट, मिड एंट्री एंड स्पॉट राउंड्स। तो आज की वीडियो में मैं यही कवर करने वाली हूँ, प्लीज एंड तक जरूर देखना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, अब सबसे पहले बता देती हूँ कि जो वेकेंट लिस्ट आएगी ना आपकी, वो आएगी कल 5 बजे। ठीक है, तो प्लीज अपना टाइमर लगा के रखना कि आपने जैसी लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे हैं जिनको हायर अपने प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करना था वो कर सकते हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनको राउंड 2 में अब जाके कॉलेज मिला है ना एंड दे वॉन्ट टू रीऑर्डर देयर हायर प्रेफरेंसेस, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब कई सारे कोर्सेज जैसे कि स्पेशली बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम जिनमें लाइक 00 सीट्स ही शो हो रही थी, अब देखो कई बच्चों ने करा तो है विड्रॉल बट उतना नहीं करा, बट येट अगेन जो पॉपुलर कोर्सेज है ना उनमें जब राउंड 1 में ही 0 सीट्स थी तो हार्डली ही कोई सीट बची होगी। ठीक है, तो अपग्रेडेशन एंड अलॉटमेंट दोनों के ही चांसेस थोड़े से कम है पॉपुलर कोर्सेज में। ठीक है, बाकी जब आपकी ये वेकेंट सीट्स की लिस्ट आएगी ना तो उसी के साथ साथ लाइक 17 तारीख को ही 5 बजे विंडो ओपन हो जाएगी फॉर द मिड एंट्री। ठीक है, अब ये मिड एंट्री किन लोगों के लिए है कैसे करना है वो मैं बता। अब जिस बच्चे ने अभी तक CSAS के Phase 1 और 2 में रजिस्टर नहीं करा था, लाइक ना ही रजिस्टर करा था ना ही उन्होंने प्रेफरेंसेस फिल करी थी, तो उनको एक चांस दिया जाता है टू एंटर इन द काउंसिलिंग प्रोसेस ऑफ CSAS। ठीक है, ये देखो आपको कैसे एंटर करना है, यू हैव टू पे 1000 रुपीज एज योर रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, जो किसी जमाने में लाइक जो बच्चों ने स्टार्टिंग में करी थी तो मैक्सिमम 250 रुपए लिए गए थे, बट नाउ देखो आप बाद में एंटर हो रहे हो तो ऑफकोर्स आपकी फीस ज्यादा है, इट्स 1000 रुपीज नाउ, बट बच्चों को मौका दिया जाता है ड्यू टू एनी XYZ रीजन, यार छूट गया होगा किसी बच्चे का तो मिड एंट्री का मौका दिया जाता है। ठीक है, आपको इसके लिए 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे एंड दिस इज नॉन रिफंडेबल, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे और ना यहाँ पे आपकी श्योरिटी है कि आपको 100% कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट कि आप पार्ट हो जाओगे काउंसिलिंग प्रोसेस के। अब मिड एंट्री का जो टाइम है वो 17 तारीख 5 बजे से शुरू होके 19 तारीख 4:59 तक है। ठीक है, तो आपको इसी के दौरान अगर आपको रजिस्टर करना है तो कर लेना, बिकॉज अगर आपने ये भी कर दिया ना तो फिर तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना कि आपने रजिस्टर करना है और प्रेफरेंसेस फिल करने हैं ढंग से। ठीक है, वेकेंट लिस्ट उसी टाइम पे आएगी उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा जज कर सकते हो, बट एक चीज है लाइक एक डिसएडवांटेज सॉर्ट ऑफ है कि अगर बाई चांस कोई बच्चा मिड एंट्री से आता है और उसको राउंड 3 में कॉलेज मिलता है तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते, आपको जो भी कॉलेज जो भी कोर्स मिला है आपको वही चूज करना पड़ेगा, दैट इज वाई प्रेफरेंस प्लेज अ ग्रेटर रोल मिड एंट्री में। तो स्पेशली ऑल्सो जो भी बच्चे ECA वाले हैं, स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं या फिर कोई परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम वाले हैं ना, आप सभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो इन द मिड एंट्री। अब आगे चलने से पहले स्पॉट राउंड्स के बारे में जानने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस, देखो आपके पास डिफरेंट बैकअप ऑप्शंस के बारे में मैं हमेशा से बात करती आई हूँ, मैंने उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी वेबसाइट द फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म कॉलेज विद्या। सो बेसिकली यहाँ जो भी टॉप UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज होती है ना वो जो भी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है आप उनके बारे में जान सकते हो, प्लस उनको कंपेयर कर सकते हो, लाइक दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज को आप कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे कि प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, कितना ड्यूरेशन है, वो सब हो गया, आप उससे आराम से क्लैरिटी मिल जाएगी आपको कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा ऑनलाइन कोर्स करना है। ठीक है, दूसरी चीज इज दैट दे प्रोवाइड यू फ्री ऑडियो एंड वीडियो काउंसिलिंग, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं बल्कि PhD प्रोग्राम तक के कोर्सेज भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, ऑल्सो देखो ये आपको करवाते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, अब मैं इसके बारे में आपको बार बार बताती हूँ कि ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो अगर आप अपने CV पे लगाओगे ना तो आपका CV उभर के आएगा। ठीक है, तो आप इन सभी चीजों को यहाँ पे अवेल कर सकते हो। ऑल्सो जो एक चीज सबसे बेस्ट है कि कई बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं कि हम अपनी एजुकेशन इतने सारे पैसे एक साथ कैसे प्रोवाइड करेंगे, हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ना वो आपको EMI सपोर्ट ऑप्शन भी देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपके ऊपर अचानक से फाइनेंशियल टोल ना आ जाए, आप आराम से अपनी एजुकेशन फंड कर सको। इसलिए मैंने कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह इनकी वेबसाइट का लिंक दे दिया है, फटाफट से जाके उसको चेक कर लो। अब आ जाते हैं स्पॉट राउंड्स के बारे में। तो बेसिकली मुझसे इतने सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछ दिया कि प्लीज बता दो कब होंगे, कैसे होंगे, कौन कौन एलिजिबल है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो वो स्केड्यूल आया दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS के पोर्टल का पूरा काउंसिलिंग प्रोसेस का, उसमें तो कहीं भी स्पॉट राउंड्स मेंशन ही नहीं थे। तो गाइस देखो हमें भी श्योरिटी नहीं है, हमें कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमें भी कुछ श्योरिटी नहीं है। देखो सिंपल सी चीज, एक चीज ये समझो, अगर राउंड 3 के बाद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास सीट्स बचेंगी
तब ही होगा स्पॉट राउंड, ठीक है। ये चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, उस चीज में भी क्लियर है। तो अगर सीट्स बचेंगी तभी होगा। अब राउंड थ्री के बाद कई बच्चे हैं जिनको अभी भी लाइक जो सोचा था उन्होंने कॉलेज अपग्रेड कर रहे थे राउंड थ्री तक, बट उनको अच्छे से मिला नहीं, तो वो विड्रॉ करते हैं। देखो दिस इज ट्रू, विड्रॉ करते हैं, कई बच्चे रिजेक्ट होते हैं, बट सारे बच्चे विड्रॉ नहीं करते हैं, सारे बच्चे रिजेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हर एक बच्चे को जिसने भी अप्लाई करा है उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्री तो नहीं मिल सकती, बट काफी बच्चे हैं जिनको मिल जाएगी आफ्टर राउंड थ्री। अगर राउंड थ्री के बाद काफी सारी सीट्स बची तभी होगा स्पॉट राउंड, ये भी चीज सुन लो, बार बार सुन लो। अगर नहीं बचेगी तो नहीं भी हो सकता है स्पॉट राउंड। सो या होप बनाए रखना, ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ही आपस में हेल्प करनी पड़ेगी एक दूसरे की शेयर करके वीडियो। लाइक दिस वीडियो राइट नाउ। ऑल्सो मैंने ना डेयर या ऑब्लिगेशन जो भी मानना आपको मैंने दे रखा था, ठीक है, जिसमें आई सेड कि आपको जब आपकी ओरिएंटेशन है, आज आपकी ओरिएंटेशन होगी, आई स्केड्यूल दिस वीडियो, मैं भी अपने कॉलेज में होंगी इस टाइम पे, तो बट आपको अपने कॉलेज में जाके फोटो खिंचवानी है अपनी, यू हैव टू पुट अप अ स्टोरी एंड मेरे को टैग कर देना, आई विल ऐड इट बैक, ठीक है। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, आप इसको डेयर समझो या ऑब्लिगेशन समझो, बट जरूर करना, ठीक है, यू विल एंजॉय इट। अपनी फोटो तो जरूर खिंचवाना यार अपने कॉलेज में, फर्स्ट डे की फोटो ना अलग ही होती है, लाइक इट्स जस्ट यू नो नॉस्टैल्जिक एंड एवरीथिंग। सो या आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टिल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी डाउट, और यू कैन इवन कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट क्यूट, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।